YouTube या वेबसाइट से पैसा कमाने के लिए सबसे पहले आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके घर पे एक पिन आता है और पिन वेरिफिकेशन यदि कर लेते हैं तो आपके चैनल या वेबसाइट से पैसा अर्निंग होने लगता है। जो भी पैसा अर्निंग होता है चैनल या वेबसाइट से वह महीना के 11 तारीख को आपके एडसेंस अकाउंट में भेज दिया जाता है। जब एडसेंस अकाउंट में $100 कम्प्लीट हो जाता है तो आपके एडसेंस अकाउंट में ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन एक्टिवेट होता है। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह एडसेंस बैंक अकाउंट को लिंक किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एडसेंस में आ जाना है। एडसेंस में आ जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितना डॉलर हो चुका है, $115 के करीब हो चुका है। उसके बाद में आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। ये आप डेस्कटॉप या फ़ोन दोनों में कर सकते हैं और पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का आपको ऑप्शन दिखेगा। नीचे के साइड में आएंगे और यहाँ पर ऐड पेमेंट ऑप्शन मेथड आपका एक्टिव हो चुका है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स को फिल करना होगा। पहले अपने नेम को डालेंगे, उसके बाद में बैंक नेम डालेंगे, किस बैंक में आपका अकाउंट है उसका नेम डालेंगे। देन आपको IFSC कोड डालना होगा। देन आपको स्विफ्ट कोड डालना होगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ स्विफ्ट कोड कैसे फाइंड किया जाता है। पहले इन सब डिटेल्स को मैं फिल कर लेता हूँ। स्विफ्ट कोड फाइंड करने का बहुत सारा तरीका है, जो जिसमें बेस्ट तरीका है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, स्विफ्ट कोड अपने ब्रांच का ही नहीं डालना है, किसी भी ब्रांच का आप स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं। केवल आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है, जिस बैंक में आपका खाता है उसी का ब्रांच होना चाहिए, दूसरे बैंक का ब्रांच नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि आपका बैंक SBI में है तो आपको टाइप करना है SBI बैंक स्विफ्ट कोड नियर, आप जो भी मनो डाल सकते हैं वहाँ होना चाहिए। जस्ट आपको वहाँ से स्विफ्ट कोड को कॉपी कर लेना है। स्विफ्ट कोड आप किसी का भी डाल सकते हैं, केवल अपना बैंक होना चाहिए जिसमें आपका खाता है। और यहाँ आकर पेस्ट कर देंगे आपके मुताबिक, यदि लगे कि सारा डिटेल सही है। उसके बाद में नीचे के साइड में एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको ग्रीन टिक कर देना है, सेट अ प्राइमरी पेमेंट मेथड, और देन आपको सेव पे क्लिक कर देना है। और सेव पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपका बैंक सेव हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। और भी और ढेर सारा भी बैंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि उसी टाइप का फिर से आपको इन्फॉर्मेशन डालना है। नेम डालेंगे, बैंक का नाम डालेंगे, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, अकाउंट, और यहाँ पे सेट एज ए प्राइमरी पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कर सेव कर देंगे। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर जो प्राइमरी लिखा हुआ है, जिस बैंक पे आप प्राइमरी यदि आप करिएगा उसी बैंक में आपका पेमेंट जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपका ही बैंक होना चाहिए, आप किसी का भी बैंक को आप डाल सकते हैं पेमेंट लेने के लिए। ये फिक्स नहीं है कि जिसका एडसेंस अकाउंट है उसी का बैंक ज़रूरी है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप किसी का भी बैंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और आप पैसा को ले सकते हैं। सो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि ये सब आप लोगों को अच्छा तरीके से समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।